हेलो एवरीवन, ये यूपीएससी सीसेट के प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फोर फ्रेंड्स ए बी सी एंड डी डिस्ट्रीब्यूट सम मनी अमंग देमसेल्व्स इन सच अ मैनर दैट ए गेट्स वन लेस देन बी, सी गेट्स फाइव मोर देन डी एंड डी गेट्स थ्री मोर देन बी। हु गेट्स द स्मॉलेस्ट अमाउंट? इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है कि चार दोस्त हैं ए बी सी एंड डी, जिन्होंने आपस में कुछ पैसे बांटे हैं, ठीक है। और वो पैसे कुछ इस तरीके से बांटे हैं कि ए गेट्स वन लेस देन बी, यानी कि बी को जितने रुपए मिले हैं ए को उससे एक कम मिला है, ठीक है। फिर बोला गया है कि सी गेट्स फाइव मोर देन डी, और सी को डी से पांच ज्यादा मिले हैं, 5 रुपए ज्यादा मिले हैं, और डी को कितना मिला है, डी को बी से 3 ज्यादा मिले हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो कि बी के रिलेशन में, मतलब बी के कंपैरिजन में दो को पैसे मिले हैं, तो हम बी को लेट कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि बी को एक्स रुपए मिले हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया बी को एक्स मिला है, तो ए को क्या मिला है, ए गेट्स वन लेस देन बी, ए को बी से एक कम, यानी कि एक्स माइनस वन। और सी कितना बोला गया है, सी को मिला है फाइव मोर देन डी, डी से पांच ज्यादा। पर पहले सी निकालने के लिए हमको डी पता होना चाहिए, और डी के लिए उसने बोला है कि डी गेट्स थ्री मोर देन बी, बी से 3 ज्यादा। अगर बी एक्स है तो डी क्या होगा, एक्स प्लस 3। और सी के लिए बोला था कि सी को डी से 5 ज्यादा मिला, यानी कि एक्स प्लस 3 में भी अगर आप 5 ऐड कर दोगे तो ये एक्स प्लस 8 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि इनमें से सबसे कम पैसे किसको मिले हैं, तो आप सिंपली देख सकते हो कि अगर बी को मान लो 1 रुपया मिला है, या मान लो 10 रुपए मिले हैं बी को, तो इसको 9 मिला है, इसको 18, इसको 13। तो आप एक्स की वैल्यू उसको देखते हुए ही पता लगा पा रहे हो कि यहाँ पे तो ये एक्स है, ये सब एक्स से ज्यादा है, ये है जो एक्स से कम है, यानी कि ए इज द आंसर, ए को सबसे कम अमाउंट मिला है।